आज से मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन वैसे शुरू कर दिया मिस्टर महेश्वरी ने। वो कैमरा पकड़ के आज बैठे हैं तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। आप देख सकते हैं छोटी सी केक लेके आए हैं आज हम घर पे। और आज से आपको मेरी बर्थडे का छोटा पार्ट सेलिब्रेशन का मैं आऊँगी और मिलते रहेंगे। इमोशनल मोमेंट्स लग रहा है और अभी मैं इसको कट कर रही हूँ। थैंक यू मिस्टर फूंक महेश्वरी। तो मारो, ब्लो इट। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। शुगर हाँ शुगर मुझे पता है शुगर। आपको शुगर है। देखो ये यॉर्गोस हमारा जॉर्ज भी कितना हैप्पी हो रहा है। यॉर्गो फोनाक्सो क्रोनिया पोल्ला फू फोनाक्सो क्रोनिया पोल्ला कमे फू। ये कैंडल ब्लो कर रहा है। इतना भगवान का बच्चा है और देखो दिखा नहीं सकूंगी। मैं जॉर्ज को भी खिला रही हूँ। उसको केक बहुत अच्छी लगती है। अभी ये और खाएगा। चलिए सी और गो। बस तो बने रहिए हमारे साथ आज से थोड़ा थोड़ा। जब जैसे जैसे सेलिब्रेशन, कल मैंने पार्टी दी है प्री बर्थडे सेलिब्रेशन मेरी फ्रेंड्स को, तो कल शाम को हमने रेस्टोरेंट में पार्टी दी है। मैंने गर्ल्स वाली पार्टी है, वहाँ के भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो व्लॉग अच्छा आएगा। 3 दिन 4 दिन तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज है संडे मॉर्निंग और ये बन रहा है। अब गेस करोगे? वैसे तो मैं बता ही देने वाली हूँ थोड़ी देर में। ये बन रही है चाशनी, जो है गुलाब जामुन की प्रिपरेशन, और ये है गुलाब जामुन के पैकेट। तो ये हो रही है मेरे बर्थडे की पार्टी की सेलिब्रेशन की तैयारियाँ। ये तो रूटीन सोयाबीन की सब्जी बन रही है। शायद मैंने इसका वीडियो आपको दिया था, रेसिपी का पता नहीं, नहीं दिया होगा तो मैं पक्का दे दूंगी। सोयाबीन बन उबल रहे हैं और ये हो रही है चाशनी, फिर हो गए गुलाब जामुन, और फिर जल्दी ही मिलेंगे जैसे जैसे बनाती जाऊंगी। कल है मेरी बर्थडे पर आज पार्टी है फ्रेंड्स के साथ, तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ा गुलाब जामुन मैं बना के घर से ही लेके जाने वाली हूँ रेस्टोरेंट में। आफ्टर वी आर गुजराती एंड इंडियंस, सो कुछ तो घर से लेके जाते ही है, तो स्वीट मैं घर से लेके जाने वाली हूँ। तो मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं व्लॉग के छोटे छोटे पार्ट, व्लॉग में वीडियो के छोटे छोटे पार्ट शूट करके रख रही हूँ, इसलिए आपको बार बार मैं हेलो बोल रही हूँ। आज है संडे का दिन। मैंने कल रात वाला जो हमने छोटी सी केक कटिंग सेलिब्रेशन की वो भी इसमें रखा है। तो वो तारीख थी 11 कल रात को जब हमने मेरी बर्थडे का सेलिब्रेशन करना शुरू किया था। आज है 12 मई और आज शाम को मैंने अपनी तरफ से मेरी फ्रेंड्स को पार्टी दी है रेस्टोरेंट में। तो मैं गुलाब जामुन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। शायद मैंने अभी थोड़ा उसमें भी रखा है तो आपको मैं दिखाऊँ मैंने बनाया गुलाब जामुन। यस, बहुत सारे बनाए हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में पार्टी है, थोड़े वहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट वाले फ्रेंड्स भी होंगे और मेरी फ्रेंड्स, तो सबके लिए बनाए हैं गुलाब जामुन। और फिर मैं शाम को रेडी होके जाऊंगी। आज मौसम अच्छा नहीं है वैसे बाहर का, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत ही बुरा मौसम चल रहा है। बारिश हो रही है, बारिश भाई। साइप्रस में कभी भी बारिश हो जाती है। मेरा फोन भीगेगा, रुको रुको रुको, दरवाज़ा बंद कर दिया। तो हाँ कल है मेरी बर्थडे 13th of May। शाम का भी हम वीडियो लेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत मैं पार्ट आपको दिखाऊंगी। और उस इसमें रखूंगी या पार्ट दूसरा करूंगी पता नहीं सेलिब्रेशन का, मगर रखूंगी ज़रूर। और फिर कल का भी कुछ प्रोग्राम है सुबह में,
तो जैसे जैसे आप व्लॉग देखेंगे, आपको मेरी बर्थडे का पूरा सेलिब्रेशन का वीडियो अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पोर्शन में देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर। तो देखिए, मज़ा आएगा इस बार। यस, आज मदर्स डे भी है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ममास, जो माँ है। तो सबको मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामना है। माँ को, माँ के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। कुछ कुछ आप क्या बोले, जिसके लिए तो, जिसके सामने तो भगवान ने भी हाथ जोड़ दिए, उनके लिए, उनके बारे में तो माँ के लिए क्या बोले, कोई कुछ शब्द नहीं। मैं खुद माँ हूँ, मेरी भी माँ है, उसकी भी माँ है, यानी मेरी नानी माँ। तो सब माओ को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामना। माँ माँ का दिन नहीं होता, माँ के तो माँ माँ के माँ का ही ज़माना होता है। यानी सब कुछ, कुछ शब्दों शब्द तो बहुत कम होते हैं माँ के लिए बोलने के लिए। तो उनके जितना सेक्रीफाइस बच्चों के लिए जो करते हैं, या जितना भी कुछ करते हैं, हाँ, पिता का उतना ही रोल होता है बच्चे की परवरिश में, उनकी ज़िंदगी में उनका अलग ही महत्व है। हम उसको भी कम नहीं बयां कर सकते। माँ की जर्नी भी इतनी ही है कि इतनी ज़्यादा है कि वो 9 साल, अपने 9 महीने अपने पेट में रखती है बच्चे को, फिर जन्म देती है। तो वो थोड़ा जल्दी ही बच्चे से जुड़ जाती है और प्यार करती है। तो वो फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे बातें निकलती जाएंगी, बातें होती जाएंगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बाय।